हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ और चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिसके अंदर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, जितने भी रैशनल नंबर है वो और जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो, दोनों जिसके अंदर इंक्लूड होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। एक हम ये भी बोल सकते हैं रियल नंबर के अंदर जितने भी नंबर्स हैं वो ऑल नंबर्स, टोटल नंबर्स, जितने भी हमारे पास काउंटेबल नंबर्स हैं वो सभी किसके अंदर आते हैं? रियल नंबर के अंदर। ठीक है, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आएगा हमारे पास यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये आप पढ़ चुके हो इंट्रोडक्शन में, यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में। फाइंड एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225। हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा से इन दोनों नंबर्स का एच सी एफ फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? देखो, अब दोनों में से पहले हमें क्या देखना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है एंड कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, 225 बड़ा है किससे? 135 से। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 225 एंड 135। अब हम किसके ऊपर अप्लाई करेंगे? 225 एंड 135 पे अप्लाई करेंगे। जो हमारे पास बड़ा नंबर है 225 इज इक्वल टू 135, इससे हम डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे हम डिवाइड, इसके लिए मैं आपको करके बताती हूँ। हमारे पास क्या है? 225, इसको हमने डिवाइड किया 135 से। ठीक है, 135 से करेंगे हमारे पास किस पे जाएगा? 1 पे जाएगा। 135 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो किस पे गया? 1 पे। 1 पे जाएगा तो हमारे पास एक बार क्या आया? 135 एज इट इज आ जाएगा। हमारे पास 5 में से 5 जाएगा 0, इधर से कैरी ले लेंगे, इधर आ जाएगा 12, 12 में से 3 जाएगा, आपके पास कितना आएगा? 9। कितना आया? 90। तो इसको हमने कैसे लिख दिया? 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस 90। हम कब तक यूक्लिड डिवीजन लेमा का अप्लाई करेंगे? जब तक हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। ठीक है, तो इसको हमने कैसे लिख लिया? 225 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 135 प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस 90 आ गया। अब हम इसको फिर से अप्लाई करेंगे, सो रिमाइंडर इज इक्वल टू 90। अब हमारे पास रिमाइंडर कितना आया? 90, नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है। वी हैव अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू 135 एंड 90। अब हम फिर से डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, किस किस पे करेंगे? 135 एंड 90 पे। अब हम इसके लिए करेंगे 135 को हम डिवाइड करेंगे 90 से, 90 से करेंगे किस पे जाएगा? 90 बन जा 90, इसमें से करेंगे 5, इसमें से करेंगे 45। अब फिर से हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आया, सिंस 135 को हमने कैसे लिख दिया? 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45, सिंस रिमाइंडर 45 नॉट इक्वल टू 0, अब फिर से 45 है वो 0 के इक्वल नहीं है। वी हैव अगेन अप्लाई डिवीजन लेमा टू 90 एंड 45। फिर से हम 90 और 45 पे डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, फिर हमारे पास छोटा कौन है? 45 और 90 बड़ा है, इसको करके देखते हैं। 45 से करेंगे 2 पे जाएगा 90। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या बचा? 0। 90 को हमने क्या लिख दिया? 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0, सो रिमाइंडर इज 0, देन प्रोसेस इज स्टॉप। तो हमारे पास जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो प्रोसेस को हम स्टॉप कर देंगे एंड द एच सी एफ ऑफ। अब हमारे पास एच सी एफ क्या आया? लास्ट हमारे पास डिजिट क्या आया था जिससे डिवाइड हुआ? 45। तो हमारे पास एच सी एफ 135 एंड 225 इज 45। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड है हमारा 196 एंड 38220। पहले हमने इन दोनों डिजिट्स में से ये देखते हैं कि कौन सा बड़ा है, ये हमारे पास बड़ा डिजिट है तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। वी अप्लाई डिवीजन लेमा टू 38220 एंड 196 ऑब्टेन। अब हमें क्या मिलेगा जब हम इसको डिवाइड करेंगे? तो इससे कम्प्लीटली डिवाइड होगा किस पे? 195 पे। तो हम क्या लिख देंगे? 196 मल्टीप्लाई 195 प्लस 0।
अब हमारे पास ये आया है तो हम क्या करेंगे, मैंने ये बताया था आपको, जब हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो हम वहीं पे स्टॉप करते हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट ही टर्म में जब जीरो आ गया तो हम क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे यहाँ, सिंस रिमाइंडर इज जीरो द प्रोसेस इज स्टॉप एंड द एच सी एफ ऑफ इन दोनों का एच सी एफ क्या आएगा, लास्ट में डिविजिबल किससे आया था, यहाँ 45 से आया था इसलिए 45 था, अब यहाँ तो इसी से डिवाइड हो गया तो क्या आ जाएगा एच सी एफ, यही आ जाएगा हमारे पास 196। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है 867 एंड 255, ये आपको दिया हुआ है 867 और 255 में बड़ा कौन है हमारे पास 867। अब 867 पे हमने अप्लाई किया, इसको 867 को हम डिवाइड करेंगे, 867 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बचेगा 102, 3 से डिवाइड करेंगे 3 पे जाएगा और कितना आएगा रिमाइंडर 102, तो हमारे पास रिमाइंडर 102 है, इट मीन्स नॉट इक्वल टू 0, 0 के इक्वल नहीं है, वी हैव अगेन अप्लाई डिविजन लेमा टू 102 एंड 2555 पे। अब हम दोबारा से एक बार डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे किस किस पे, 102 एंड 255 टू ऑब्टेन, अब इसके जो ऊपर जब हम अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 255 को हमने अप्लाई किया 102 मल्टीप्लाई 2, फिर से रिमाइंडर कितना बचेगा 51, डिवाइड करके देखना आपको यही आएगा। ठीक है, हमारे पास रिमाइंडर कितना आया 51, अभी भी हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं है तो एक बार फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, सो रिमाइंडर 51 नॉट इक्वल टू जीरो, देन अप्लाई द डिविजन लेमा, अगेन अप्लाई करेंगे तो 102 एंड 51 पे अप्लाई करेंगे, 102 इज इक्वल टू, इसको हमने किया तो 51 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 102, और प्लस क्या आया जीरो, अगर प्लस जीरो आ गया तो रिमाइंडर कितना आया जीरो आया, सिंस रिमाइंडर इज जीरो देन द प्रोसेस इज स्टॉप, तो हम प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे एंड एच सी एफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51, तो दोनों का एच सी एफ हमारे पास क्या आ जाएगा 51। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या दे रखा है आपको, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमें प्रूव करना है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स किसकी फॉर्म में है, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5, वेयर क्यू इज सम इंटीजर, ये हमें दिया हुआ है, हमें प्रूव करना है, कैसे प्रूव करेंगे, हमें ये प्रूव करके बताना है कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस क्या क्या, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 एंड 6 क्यू प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा कोई भी इंटीजर है, और हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये कैसा है ओड इंटीजर है, उसके लिए देखो हम कैसे अप्लाई करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिथम है हमारे पास, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है एंड बी इज इक्वल टू 6, इसको हमने कैसे लिख लिया, ए इज इक्वल टू दे रखा है, बी इज इक्वल टू हमने क्या लेके चल पड़े 6, क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास यूक्लिड डिविजन लेमा की जो फॉर्म है वो क्या होती है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए हमारे पास क्या होता है वो नंबर जो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, बी हमारे पास क्या होता है कि जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया है या जिस नंबर से हमने उसको डिवाइड कर किया था, ठीक है वो मल्टीपल, आर हमारे पास क्या होता है वो रिमाइंडर, अब बी की जगह हमारे पास क्या दे रखा है 6 दे रखा है, क्या वो कोशेंट, कोशेंट हमें रखना है हर बार, ठीक है अप्लाई करेंगे बाई यूक्लिड एल्गोरिथम, ए इज इक्वल टू 6 क्यू, बी की जगह हमने क्या पुट किया 6 क्यू प्लस आर, फॉर सम इंटीजर्स कोई ना कोई इंटीजर रखेंगे क्या है वो ग्रेटर देन या इज इक्वल टू जीरो, क्या की वैल्यू ग्रेटर देन या इज इक्वल टू जीरो होगी, और आर हमारे पास क्या आएगा जब भी हम किसी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, अगर जीरो आ गया तो कम्प्लीटली डिवाइड आएगा, अगर 6 आ गया तो फिर से वो डिवाइड हो जाएगा 6 से, ठीक है तो हमारे पास क्या आएगा रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास आर की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन जीरो एंड
जो आर है वो हमारे पास क्या से कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से लेके 6 के बीच में हो सकता है, ठीक है। देयर फोर अब हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 6 क्यू, और 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2। अब इन नंबर्स के अंदर हम अप्लाई करके देखते हैं। देखो आल्सो 6 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू। 6 को हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 2 मल्टीप्लाई 3 क्यू प्लस 1 इज इक्वल टू 3 क्यू को हमने क्या नाम दे दिया, K1, 2K+1+1, वेयर के इज ए पॉजिटिव इंटीजर और के हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह से हमने नेक्स्ट को किया, 6 क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3 को हमने ब्रेक कर लिया 2+1 में, इन दोनों में से हमने कॉमन क्या लिया, 2, और ये अंदर क्या बचेगा, 3 क्यू प्लस 1 और +1, इसको हम क्या लिख देंगे, इस पूरे को हमने क्या नाम दिया, K2, 2K2+1 वेयर K2 इज इंटीजर। 6 क्यू प्लस 5 इसको हमने ब्रेक कर दिया 4 और 1 में, 4+1 इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 2, 3 क्यू प्लस 2+1, 2K3+1, K3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 आर ऑफ द फॉर्म 2K+1। ये तीनों की तीनों हमारे किस फॉर्म में आई है, 2K+1, ये भी 2K+1 है, ये भी 2K+1 है, और फर्स्ट वाली भी हमारी 2K+1 में आई थी। वेयर के इज एनी इंटीजर, के हमारे पास कोई भी इंटीजर होगा, देयर फॉर 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2। इट मीन्स इससे 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब मैं आपको ये बताती हूँ। देखो 2K+1, 2K इट मीन्स ये जो भी हमारे पास ये 2 का मल्टीपल होगा, और 2 का मल्टीपल मान लिया हमारे पास यहाँ 5 है, 2 5 10, तो 10 है वो हमारे पास 2 का मल्टीपल है। जब 2 के मल्टीपल में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आया, 11। क्या 11 2 से डिविजिबल है, नहीं है डिविजिबल। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, 6Q+3 के इक्वल आएगा ना हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपको दे रखा है कि ये 2 का डिविजिबल नहीं है, और 2 का डिविजिबल नहीं है तो इट मीन्स कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, क्योंकि इवन नंबर होगा तो 2 का डिविजिबल होगा। इसीलिए हम क्या बोल देंगे, 6Q+1, 6Q+3, 6Q+5 आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। Hence, these expansion of numbers are odd numbers. तो ये जो expansion आपको दी हुई है किसकी है, odd numbers की है, and any odd integer can be expressed in the form, और किसी भी odd integer को हम 6Q+1, 6Q+3 and 6Q+5 की form में लिख सकते हैं, ठीक है, express कर सकते हैं, present कर सकते हैं, okay? Next है हमारा question number 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है, एन आर्मी कंटेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। एक आर्मी की कंटेंट है और उसके अंदर टोटल मेंबर्स कितने हैं, 616 है, और कोई भी मार्च निकाला जा रहा है, आर्मी बैंड के पीछे कोई भी परेड हो रही है जिसके अंदर 32 मेंबर्स इन ए परेड, और उस परेड में कितने मेंबर हैं, 32, एक लाइन में कितने मेंबर हो गए, 32। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च, दो ग्रुप हैं जो मार्च निकाल रहे हैं, इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च, हमें क्या बताना है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉलम बना सकते हैं, इन विच इसमें से दे कैन मार्च, जो कि मार्च कर रहे हैं। जब भी आपसे किन्हीं दो नंबर्स में से मैक्सिमम पूछ लिया, दोनों को कंबाइन करके पूछ लिया कि दोनों में मैक्सिमम, ठीक है, अब 616 और 32 में मैक्सिमम पूछ लिया, आपको पता है तो मैक्सिमम या लॉन्गेस्ट पूछ लेता है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, HCF। इसलिए हम इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, HCF, HCF ऑफ 616 और 32 विल गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, जो कि मार्च कर रहे हैं। यूज बाय यूक्लिड एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे, 616 को हम 32 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 19 आएगा, और 8 हमारे पास रिमेंबर बचेगा, जो कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही करना है।
32 मल्टीप्लाई 19 प्लस 8 है। अब हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो एक बार से हम फिर से इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करेंगे। अब हम किसके ऊपर करेंगे, 32 एंड 8 के ऊपर करेंगे 32, लेकिन 8 के टेबल में तो 4 पे आता है, 8 4 जा 32, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो एच सी एफ ऑफ 616 एंड 32 इज 8, हमारे पास एच सी एफ क्या आएगा इसका 8। सो दे कैन मार्च इन 8 कॉलम्स, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, वो कितने कॉलम्स में मार्च करेंगे, 8 कॉलम्स में वो मार्च करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ आपको, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, या लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ फॉर्म, कि किसके फॉर्म में होगा, 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m, और जहाँ पे हमारे पास जो m है वो क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। अब हम इसको शो करेंगे, कैसे करेंगे, देखो, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 3, क्यों, क्योंकि हमें किसके फॉर्म में प्रूव करके दिखाना है, 3m एंड 3m प्लस 1, इसके फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो हमारे पास b की वैल्यू क्या होगी, 3, a इज इक्वल टू 3 क्या प्लस r। अब हमारे पास r क्या आ सकता है, r हमारे पास कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, क्योंकि 0 भी नहीं हो सकता, हमारे रिमाइंडर 1 और 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या फिर 2 आएगा, ठीक है। देयरफॉर अब हमने लिखा a इज इक्वल टू 3 क्या एंड 3 क्या प्लस 1, 3 क्या प्लस 2, और इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे कि 3 क्या, इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी 3 क्या, मान लिया हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, 0 भी लेके चल रखा है, अगर 0 आ जाते हैं यहाँ पे रिमाइंडर तो क्या बचेगा, 3 क्या, और 1 आ जाता है तो क्या आएगा, 3 क्या प्लस 1, 2 आएगा तो क्या आ जाएगा, 3 क्या प्लस 2। अप्लाई करेंगे, स्केयर के लिए हमें प्रूव करना था, हमने इस नंबर का स्केयर किया, ए का स्केयर कर देंगे, इधर क्या है 3 क्या, 3 क्या का स्केयर, इसका क्या है 3 क्या प्लस 1 का स्केयर, और ये क्या है 3 क्या प्लस 2 का स्केयर, सभी का हमने स्केयर कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा 3 क्या स्केयर, और इसको हमने क्या लिख दिया 3 क्या प्लस 1 का स्केयर, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, 3 क्या का क्या आ जाएगा 9 क्या स्केयर, 1 का 1, और 2 3 जा 6, 1 जा 6 क्या, और एंड 3 क्या प्लस 2 का स्केयर करेंगे 9 क्या स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 क्या। अब इसको हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे किसके में, 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में, कैसे करेंगे देखो, ये था हमारे पास 3 क्या स्केयर, इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या आ जाएगा 9 क्या स्केयर, मैंने 9 क्या स्केयर को ब्रेक कर दिया 3 मल्टीप्लाई 3 क्या स्केयर, ठीक है। दूसरा हमारे पास ये है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया कैसे, इन दोनों डिजिट्स को मैंने आगे रख के इसको 1 को अलग किया, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3, और इसको हम क्या लिख देंगे 3 क्या स्केयर, यहाँ क्या बचेगा 3 2 जहाँ 6 2 क्या। थर्ड हमारे पास ये है, अब ये देखो यहाँ पे 4 है, 4 को हमने ब्रेक कर लिया 3 प्लस 1 में, 3 प्लस 1, 1 को हमने बाहर ले लिया, और जो बच गए हमारे पास इनमें से 3 कॉमन ले लिया, 3 क्या स्केयर प्लस 4 क्या प्लस 1। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा के 1 हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा के 2 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो गया के 3, इसको हम क्या लिख देंगे 3k1 और 3k2 प्लस 1, 3k3 प्लस 1, वेयर k1 k2 एंड k3 आर सम पॉजिटिव इंटीजर्स, ये हमारे पास क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, हेंस इट कैन बी सेड दैट द स्केयर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और अगर हम उसका स्केयर करेंगे तो वो किसके फॉर्म में आएगा 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी ऐसे ही है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, use EDL, use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer, अब उसमें square था इसमें cube है, is of the form 9m, 9m plus 1 and 9m plus 8, इस form में हमें convert करके दिखाना है, कैसे करेंगे देखो, let a is equal to b, a be any positive integer and b is equal to 3, b हमारे पास क्या आ जाएगा
थ्री, ए इज इक्वल टू हमारे पास आया थ्री क्यू प्लस आर, वेयर क्यू है हमारे पास, क्यू की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, आर हमारे पास क्या आएगा जीरो से थ्री के बीच में आएगा, क्योंकि अगर थ्री आ गया तो फिर वापस जीरो ही आ जाता है हमारे पास। ए इज इक्वल टू किस किस के फॉर्म में लेके आना है, थ्री क्यू, थ्री क्यू प्लस वन, थ्री क्यू प्लस ए टू, इन तीन फॉर्म में आ सकता है, क्योंकि जब रिमाइंडर जीरो होगा तो ये आएगा, जब रिमाइंडर वन होगा तो ऐसे लिखेंगे, रिमाइंडर टू होगा तो ऐसे। देयरफॉर एवरी नंबर कैन बी रिप्रेजेंटिंग एज देयर थ्री फॉर्म्स, देयर आर थ्री केसेस। अब हमारे इसमें तीन केसेस बनेंगे और उन तीनों केसेस को हम किस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखते हैं। देखो फर्स्ट केस, फर्स्ट केस हमारे पास क्या है, व्हेन ए इज इक्वल टू थ्री क्यू, ए इज इक्वल टू थ्री क्यू है, क्यूब करना है, अब हमें क्यूब करेंगे इधर, ए क्यूब इज इक्वल टू थ्री क्यू क्यूब, थ्री क्यू क्यूब हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, थ्री का क्यूब 27 और क्यू का क्यूब क्या आ जाएगा 27 क्यू क्यूब। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नाइन मैंने कॉमन ले लिया, थ्री क्यू क्यूब अलग रख लिया, तो इस थ्री क्यू क्यूब को मैंने क्या नाम दे दिया m, क्या आ जाएगा हमारे पास 9m, एंड m इज इक्वल टू क्या है थ्री क्यू क्यूब जो हमारे पास ये था, इसको हमने क्या मान रखा है m। किस सेकेंड, वेन a इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस वन की फॉर्म में है, अब हम दोनों साइड क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे तो इसका फॉर्मूला ओपन करेंगे, a प्लस बी का क्यूब, a प्लस बी के क्यूब का क्या फॉर्मूला है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वेयर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वेयर, ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास। अब इसको ओपन किया, थ्री क्यू प्लस वन को, थ्री क्यू का क्या आ जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस वन का क्यूब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और थ्री ए स्केयर बी, थ्री ए हमारे पास क्या है थ्री क्यू, थ्री थ्री जा 9 क्यू स्केयर, और फिर थ्री से करेंगे 27 क्यू स्केयर, फिर थ्री की थ्री के साथ कर देंगे 9 क्यू प्लस वन। अब इन तीनों में से हमने फिर से क्या कॉमन ले लिया, 9 कॉमन लिया, तो क्या आ जाएगा थ्री क्यू क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस वन, 9, इसको हमने क्या नाम दे दिया अब m, किसकी फॉर्म में आ गया 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया। इसी तरह से केस नंबर थर्ड है हमारे पास, वेयर c इज इक्वल टू थ्री क्यू प्लस 2, अब क्यूब बोथ साइड करेंगे, इसको हमने क्यूब ओपन किया, यही फॉर्मूला है हमारे पास क्यूब का, इसको ओपन कर लेंगे ये आएगा। अब इन सभी में से हम कैसे लेंगे, इन तीनों में से हमने कॉमन क्या ले लिया 9, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 या 9 6 जा 9 4 जा, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 8, इसको हमने क्या लिख दिया, इस पूरे को हमने किसका नाम दे दिया m का, 9m प्लस 8, वेयर m इज इक्वल टू m हमारे पास क्या है 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। तब हमें यही प्रूव करना था कि इसको हम निकालेंगे किस किस के फॉर्म में आए, 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 की फॉर्म में आए। देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ए 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। ओके, एक्सरसाइज कंप्लीट।